29 नवंबर 2005 गोडर गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश। उनतीस नवंबर की दोपहरी ढल रही थी और एक एसयूवी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट के विधायक कृष्णानंद राय को लेकर सियारी गांव की तरफ जा रही थी। ये बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की आखिरी भूल थी। विधायक सियारी गांव गए, एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, फिर गनर, ड्राइवर और अपने करीबियों के साथ कनुआन गांव की ओर जाने लगे। जैसे ही विधायक का काफिला आगे बढ़ा, एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आई, उससे 7-8 लोग निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। उन्होंने विधायक की गाड़ी पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। विधायक समेत 7 लोग मौके पर मारे गए। 7 मृतकों के पोस्टमार्टम के जिस्म से 67 गोलियां निकाली गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि हमलावर बोल रहे थे, मारो इसे, अफजल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय दबंग थे। इलाके में उनके बाहुबल का भी जोर था, लेकिन उनका गुनाह इतना था कि कृष्णानंद राय उस मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बने थे जहां अंसारी खानदान की तूती बोलती थी। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। हत्याकांड के दिन कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ कार से नहीं थे। कहते हैं कि एसटीएफ ने विधायक को इसकी इत्तला भी दी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और उसका माफिया राज देश भर में सुर्खियां बन गए। इस मामले की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 3 जुलाई 2019 को मुख्तार अंसारी को आरोप मुक्त कर दिया गया। कृष्णानंद राय केस ही वो कड़ी थी जिसमें पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम देश भर में सुर्खियों में आया। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का दाहिना हाथ था, जिसकी हत्या बागपत जेल के अंदर कर दी गई। दूसरी तरफ ये वही गैंग वॉर थी जिसमें मुख्तार और कृष्णानंद राय के करीबी ब्रजेश सिंह की जानी दुश्मनी का क्लाइमेक्स छिपा था। पूर्वांचल के इन दो डॉन के बीच आज भी अदावत चरम पर है। ये कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले ये लिस्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट में मुख्तार का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज है। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 40 से अधिक केस दर्ज हैं। चंद अपराधों को छोड़ दें तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं जिसके आरोप मुख्तार अंसारी के सिर पर नहीं लगे हैं। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में है। ये वही इलाका है जहां ब्रजेश सिंह की भी तूती बोलती थी। दरअसल लड़कपन के दिनों में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने का शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। उसने बैट बॉल के खेल से तौबा करके 1985 में 23 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उसी पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ। लेकिन इधर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा आपराधिक किरदार बनकर उभरा, तो उधर उसकी नजर सियासी सरोकार पर भी थी।
मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता, लेकिन 2002 में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा। जो सीट 1985 से गाजीपुर के अंसारी परिवार के पास थी, वो 17 बरस बाद कृष्णानंद राय की झोली में चली गई। चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हार गए। कहते हैं इस चुनाव में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की मदद की थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कहते हैं इस हत्या को मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अंजाम दिलवाया था। आज जेल में रहने के बावजूद मुख्तार अंसारी का दबदबा कम नहीं हुआ। 1996 में राजनीति में कदम रखने के बाद आज तक मऊ सीट से मुख्तार अंसारी को कोई हरा नहीं सका। वो लगातार 5 बार से विधायक बने हुए हैं। 2019 में मोदी लहर के बावजूद उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं।